महिला प्रोफेसर खुदकुशी मामले दे विच घिरी भगवंत मान सरकार। सिख्या मंत्री हरजोत बैंस के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदार, किसान यूनियन अते सियासी पार्टियां ने खोलिया मोर्चा। सत श्री अकाल टीवी एन आर आई देख रहे हो तुसीं ते मैं हांजी। दस कि रूपनगर दे विच महिला प्रोफेसर बलविंदर कौर दे आत्महत्या मामले दे विच लगातार भगवंत मान सरकार जिहड़ी है घिरदी हुई नजर आ रही है ते अजिहे दे विच सिख्या मंत्री हरजोत बैंस दीआं मुश्किलां वी वध हुंदीआं हुईआं नजर आ रहीआं ने। दस कि एक पासे जिथे अकाल तख्त साहिब दे वल्लों एक वड्डा जिहड़ा है भगवंत मान सरकार दी इह नाकामी दसी गई है कि उहनां दे राज दे विच इस तरह उहनां दे प्रोफेसर जिहड़े ने खुदकुशियां करन दे लई मजबूर हो रहे ने ते दूजे पासे सिख्या मंत्री हरजोत बैंस दे खिलाफ किसान यूनियन दे वल्लों, किसान जत्थेबंदियां दे वल्लों मोर्चा खोल दिता गया। दस कि इस सारे मामले ते बोलदिआं होइआं जिहड़ा है रूपनगर दे विच महिला प्रोफेसर बलविंदर कौर दी खुदकुशी दे मामले नूं गरमाउंदा होइआ देख के श्री अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह दे वल्लों इह गल कही गई है कि खुदकुशी नोट दे विच लाए गए दोषां दी डूंघाई दे नाल जांच होनी चाहीदी है ते उस दी मौत दे लई जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। इसे तरह तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों भी इस मामले दे विच खुदकुशी दे लई मजबूर करन वालिया खिलाफ सख्त कार्रवाई की जिहड़ी है हिमायत की गई है। दसे कि इस मौके ते श्री अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदार उन्हां दा कहना सीगा कि सरकार दे लई इस तों वध शर्मनाक गल कुछ भी नहीं हो सकती कि उन्हां दे नागरिकां नूं अपने हक ना मिलण दे करके दुखी हो के आत्महत्या करन दे लई मजबूर होना पै रहा है। उन्होंने कहा कि बलविंदर कौर दे कौर नूं इंसाफ ना मिलण ते सरकार दे रवैये तों दुखी ने, जिसते करके जिहड़ा है सरकार तों दुखी हो के इस तरह आत्महत्या किसे दा कर लेना यह बहुत ही दुखदाई घटना है। दस कि इसके नाल ही मंत्री सिख्या मंत्री हरजोत बैंस दीआं मुश्किलां भी वध हुंदीआं होईआं नजर आ रहीआं ने। प्रोफेसर दे खुदकुशी मामले दे विच सियासी पार्टियां तों बाद हुण किसान जत्थेबंदियां दे वल्लों भी हरजोत बैंस दे खिलाफ जिहड़ा है मोर्चा खोल दिता गया। किसान जत्थेबंदियां दे वल्लों सिख्या मंत्री हरजोत बैंस दे खिलाफ केस दर्ज करन दी मंग कीती गई है। नाल दी नाल इस घटना ते नोटिस लैंदिआं होईआं जिथे पहलां श्री अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदारां दे वल्लों गल कही जांदी है, उत्थे ही किसान जत्थेबंदियां जिहड़ियां ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे वल्लों जिहड़ा है इस सब दे चलदिआं होईआ रुजगार खातर सिख्या मंत्री दे कोठी अगे एक 1158 सहायक प्रोफेसर यूनियन दे झंडे हेठ दिन रात धरने विच शामिल हुई इस प्रोफेसर दे खुदकुशी मामले नूं लै के जिहड़ा है होर भी सख्त रवैया दिखाते हुए उन्होंने खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। किसान यूनियन के वलों जिहड़ियां है वख-वख यूनियन इकट्ठा हो के सिख्या मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलण की तैयारी दे विच बैठिया हुई ने। दस कि भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया किसान फैडरेशन, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, भारतीय किसान यूनियन, आजाद किसान संघर्ष कमेटियां दे आगुआं दे वल्लों जिहड़ा है इस परिवार दे नाल हमदर्दी जताई गई है। नाल दी नाल इह गल भी कही गई है कि सुसाइड नोट दे अनुसार मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे खिलाफ जिहड़ा है केस दर्ज होना चाहिए है। नाल दी नाल उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए है। पर इस मामले दे विच दस दिंदे आ कि पहलां तो ही काफी यह मामला भखदा होया नजर आ रहा सीगा क्योंकि लगातार पंजाब सरकार दे खिलाफ जो अध्यापकां दे द्वारा टीचरां दे द्वारा यह मोर्चा खोलिया गया सीगा ते हाल ही दे विच रूपनगर दे विच एक घटना वापरदी है जिस दे विच कि रूपनगर दी वसनीक 35 साला महिला प्रोफेसर जिहड़ी है बलविंदर कौर दे वल्लों सरहिंद नहर दे विच छाल मार के खुदकुशी कर ली जांदी है। सिख्या मंत्री हरजोत बैंस की जिहड़ी है गंभीर रूप दे विच इह भी दस्सिया जांदा है कि उन्हां दी रिहायश दे नेड़े 2 महीने तो धरना दे रहे 1158 जिहड़े टीचर सन अध्यापक सन उन्हां दे विच इह महिला प्रोफेसर जिहड़ी है उस वेले शामिल सीगी पर इंसाफ ना मिलण दे करके मंगा पूरियां ना होण दे करके जिहड़ा है उस दे वल्लों एक खौफनाक कदम चुक लिया जांदा है ते हुण लगातार सियासी पार्टियां भी जिहड़ियां ने ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।